Assalamu alaikum and finally. ये भी आ गया अपना कैमरा लेकर. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल. कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूं आप सब लोग होंगे ठीक ठाक खैरियत से. मैं पीछे जा रही हूं अभी. एंड यू जस्ट वोक अप और आज फ्राइडे भी है तो जल्दी से टीवी वगैरह दिखानी है क्योंकि आज हमें जाना है टेलर के पास, देन हमें जाना है पार्लर फॉर मेहंदी बुकिंग. तो टाइम कम होता है वैसे भी फ्राइडे वाले दिन, तो नमाज पढ़ते ही भागना है. तो मिलते हैं थोड़े में. और ये तमाम कामों से बिल्कुल फ्री होकर पा लिया हमने अपना नया जोड़ा और बस अब लगाएंगे हम लोग. अच्छा तो मॉइस्चराइज़र आजकल मैं ये यूज़ कर रही हूँ क्योंकि स्किन पे थोड़ी बहुत ड्राइनेस आ रही है. बस ये लगाएंगे और जल्दी से करेंगे भागने की. डबल फ्रॉक आएगा, एक इनर आएगा, फिर इसके ऊपर ही नेट का कोट स्टाइल का बनेगा. जैसे वो मस्तानी का ड्रेस है ना, इसमें तीन लेयर्स आती हैं. पहले ही आपको दिया है अध्ययन करना चाहिए पट्टी काम है दिया दुपट्टा. और जी बेचारे दर्जी के साथ एक घंटे की सरखपाई के बाद हम लोग निकले ज्वेलरी शॉपिंग के लिए. ये चेन तो मैं आपसे ग्रीन में लेकर गई हूँ. फाइनली एट होम. और बाहर को इतनी शदीद किस्म की गर्मी और धूल मिट्टी है ना कि बस हमारा हशर नशर हो गया. आते ही फ़ौरन से शावर लेना पड़ा क्योंकि इंतहा की मिट्टी है बाहर. लेकिन ये है कि कुछ काम निबट गए और मज़ा भी आया. और अब बस कुछ छोटे मोटे काम रह गए हैं. स्टोर की हालत दिखाती हूँ. तकरीबन सारा सामान ही जो है ना जमा हो रहा है. तो जो भी सामान होता जा रहा है हम उसे जो है वो यहीं रह. मॉर्निंग एंड हेलो गाइस. आज ही मैं और आज मैं लगी हुई हूँ अपने कपड़े वगैरह डिसाइड करने के मैं क्या पहनूंगी और क्या नहीं करूंगी. कमरे की हालत आपको दिखाती हूँ. और जी ये था वो सारा सामान जो कि लड़की वालों की तरह से लड़की वालों को जाना था, इसलिए खूब दिल लगा कि लड़की वालों ने इसकी पैकिंग की थी, यानी कि हम लोगों ने पैकिंग की थी. हर चीज़ बहुत ही अच्छी थी माशाल्लाह से. एंड जी ये वो सामान था जो दुल्हन के लिए आया था लड़के वालों की तरफ से निकाह में पहनने वगैरह के लिए. बस इन तमाम कामों से फ्री होकर हम लोग भागे अपनी मेहंदी के लिए. और मेहंदी लगवाने हम लोग आए काशीस पर. इनका अंदर का तमाम सेटअप बहुत ही हसीन था लेकिन यहाँ पर ज़्यादा वीडियो बनाना अलाउ नहीं थी तो मैं कुछ ही क्लिप्स ले पाई. घर आ गए हम लोग काशी से. एंड गेस व्हाट, हु इज द हैप्पीएस्ट पर्सन राइट नाउ इन दिस वर्ल्ड? मी. आई हैव जस्ट डन विद माय मेहंदी. कैन यू सी. एंड ऐसे आपको ये समझ नहीं आ रही होगी तो मैं आपको भी दिखाती हूँ. मेरे लेफ्ट हैंड की मेहंदी. शुरू में थोड़ा बहुत ये डिज़ाइन ना बहुत अजीब लगा दिया था उसने, बट थैंक्स टू माय नंद उसने कंप्लेन की और उन्हें कहा तो उन्होंने इस डिज़ाइन को कुछ हद तक बेहतर कर दिया. देन हमने यहाँ पे लिखवाया ईसा की जौजा. देख सकते हैं काफ़ी अच्छा आ रहा है.
and I'm happy. That's why I'm the happiest person right now. Good morning, and finally today is the day of Nikkah. टाइम अब बिल्कुल भी नहीं है, टाइम अब तेज़ी से भाग रहा है क्योंकि बस थोड़ी देर में इवेंट शुरू हो जाएगा और फिलहाल मैं करने लगी अपनी क्लेंजिंग और अब मैं होंगी तैयार, तो मिलते हैं तैयार होने के बाद। एंड कल मैं अपनी मेहंदी पर खुश हो रही थी कि इतनी अच्छी लग गई और मेरा दिन अच्छा गुजर गया और गुजरेगा भी इंशाल्लाह। और आज का दिन अभी शुरू ही हुआ था और एक और खुशी मिल गई, और वह खुशी यह है कि मुझे मेरा पार्सल रिसीव हो गया। सी मैंने जो है विगस कॉस्मेटिक्स से जो है ना कुछ चीज़ें ऑर्डर की थी और सी मुझे टाइम पर मिल गई। वैसे मुझे लग रहा था शादी के बाद मिलेंगी लेकिन टाइम पर मिल गई और मुझे इनकी ज़रूरत भी थी आज। ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في مقام آخر: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها إخبار فعوز إيه لاكر في نهر مؤجل من إيديا يا آبني عيسى نشار بنت نشار أحمد وفي مقام القبول فيا सब कुछ बहुत ही अच्छा रहा माशाल्लाह से। बस दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह सबका नसीब अच्छा करे और मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।